जय हिंद। हमारा आज का टॉपिक है एवरेज। ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम हैं उन सभी में मिनिमम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और मेंस अगर आप बात करते हैं जैसे सीजीएल सीएचएसएल उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फुल सिलेबस यानी कम्प्लीट मैथ का सिलेबस मिलेगा। आप सिलेबस कम्प्लीट कीजिए या कोई भी टॉपिक कम्प्लीट कीजिए, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए किसी भी एप्लीकेशन का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आप 90 से 95% क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस और चल रहा है सब कुछ पैटर्न वाइज। आज का स्पेशल क्या है, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सारे 2019 और उससे एक साल पहले 18 का और इससे आगे 2020 का क्वेश्चन है और सबके सब पैटर्न वाइज है। ऑलराइट, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी ई आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स देयर एवरेज इज, तो इसका एवरेज क्या होगा। क्वेश्चन है ए बी सी डी एंड ई, ये ऑड नंबर हैं, इसका एवरेज क्या होगा। जब भी आप इस टर्म में देखते हैं तो आप जानते हैं कि बीच वाला नंबर ही हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। ओके, यानी आपका एवरेज क्या है, सी है, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। ओके, आप यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर ए 5 into a+4, ये क्या है पता नहीं। बी को देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि देखिए टोटल नंबर है, सबको ऐड करना था, ये तो मल्टीप्लाई किया हुआ है तो नहीं हो सकता है। और ये भी किस फॉर्म में है, सबको ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, पता नहीं, ये दोनों तो होना नहीं है। यानी ऑप्शन ए और ए और ऑप्शन डी में कंफ्यूजन है। ओके, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। 5 ऑड नंबर लेते हैं, 1, 3, 5, 7 and 9, ये आपका हो गया एवरेज, 5 इज द एवरेज। क्यों, क्योंकि बीच में है ये। और एक तरीका और है चेक करने का, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को ऐड कीजिए, यानी 9+1 10 और 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5। अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा बेसिक क्लास देखिए, क्लास नंबर 1, उसमें से डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो ये आपका एवरेज हो गया। एक चीज आप यहाँ देखेंगे, जहां भी ऑड या इवन का जब चलता है नंबर का सिस्टम, वहां पर 2 का गैप रहता है, 2 का गैप रहता है। सपोज कीजिए आपका ये वाला ए हो गया, ये बी है और ये सी है, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो यहाँ देखिए, अगर आप बी की जगह पर लिखना चाहते हैं, सपोज कीजिए आपका बी है, तो बी का वैल्यू कितना है, क्या है, तो आप क्या लिख सकते हैं, बी का वैल्यू 3 है ना, तो लिख सकते हैं ना 1+2=3, बिल्कुल बात तो सही है। देखिए ये जो आपका 1 है यही आपका ए है, यानी ए प्लस 2 कर दिए। ओके, तो यहाँ बी की जगह पर क्या लिख दिए, ए प्लस 2। ए 2 क्यों आया, क्योंकि इसके बीच का गैप 2 है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी इसके बीच का गैप कितना है, 2 है, तो अगर हम यहाँ लिखने जाएं तो सी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 4, यानी देखिए यहाँ 5 है जो कि आपका सी है, ये 5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए 1+4, 4 कहाँ से आएगा, 2+2 4 होगा, 4 आ गया ना, ए प्लस 4, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, देखिए अगर आप चाहते हैं कि क्यों कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता था, देखिए कितना पॉसिबल है एवरेज होने का, एवरेज को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, एवरेज आपका सी भी है और आपका एवरेज कौन सा है, ए प्लस ई बाई 2, ये भी आपका एवरेज है। आप बोल सकते हैं बी प्लस डी बाई 2, ये भी आपका एवरेज है, या सबको सम कर लीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाई 5, ये सब के सब एवरेज है। ऑलराइट, तो इतने तरीका से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक जो अभी बताए हैं यहाँ पर a+4 भी आपका एवरेज ही है। ऑलराइट, तो ये सब तरीका है जिससे आप एवरेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या है, इफ सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ये तो इवन नंबर है। ओके, J, K, L, M, N आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, पहले वाला इवन था ये ऑड है, देन एवरेज ऑफ ऑल नंबर, अब सारे नंबर का एवरेज बताना है आपको कैसे होगा। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को देखते हैं, देखिए ये है A, ये A वाला ये पार्ट तो यहाँ है, यानी ये तो इवन का पार्ट है, यहाँ देखिए N और ये है N, बाई 2 कर दिया गया है, ये पॉसिबल नहीं है, इवन और ऑड को आप एक साथ करके आप एवरेज नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए B को देखिए, ये है L, L यानी बीच वाला टर्म है, और D इसका क्या है, D इसका भी बीच वाला टर्म है, इस फिर तो आप इवन आउट कर दिए, ये भी नहीं हो सकता है।
ये क्या है पता नहीं, और ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी डेफिनेटली ऑप्शन सी होने वाला है। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपका इवन नंबर है। तो आप जानते हैं जब इस फॉर्म में रहता है तो आपका एवरेज कौन सा होता है, बीच वाला टर्म, यानी कि आपका एवरेज क्या होगा, आपका एवरेज होगा डी। ओके, यहाँ पे डी है, टोटल कितना नंबर है, टोटल है 7 नंबर, इसका सम कितना हो जाएगा, सम आप जानते हैं ना, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल नंबर। तो देखिए सम निकालना है तो बस आपके पास तो एवरेज डी है, ओके डी है इनटू टोटल नंबर कितना है 7 है, यानी कितना हो गया 70 हो गया। देखिए यहाँ पे 70 दिख रहा है आपको, बिल्कुल यही है ऑप्शन करेक्ट है। ओके इसको चेक कर लेते हैं ऑड वाले को, नंबर स्टार्ट किससे हो रहा है, यहाँ पे नंबर स्टार्ट हो रहा है जे से, जे के एल एम एन। देखिए यहाँ भी ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, तो बीच वाला आपका एल क्या होगा, एवरेज हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू एल है, इसका सम कितना होगा, टोटल 5 नंबर है तो 5L हो जाएगा। इन सभी का निकालना है आपको क्या, एवरेज निकालना है। देखिए टोटल का एवरेज कितना हो जाएगा, इसका सम कितना आया है, सम ऑफ ऑल नंबर यानी सबको जोड़ लीजिए 70 प्लस 5L, ये है 5L बाई टोटल नंबर क्या कितना है, ये है आपका 7, ये है आपका 5, 7 प्लस 5 12, यानी करेक्ट ऑप्शन सी ही है। ओके ये था प्रोसेस बनाने का और ये था तरीका ऑप्शन से हटाने का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज k, 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या है, k है। द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड, ओके अगला 3 नेचुरल नंबर को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, इसके साथ रख लीजिए। हाउ मच मोर देन के विल द एवरेज ऑफ दिस 10 नंबर बी, तो आपका एवरेज कितना ज्यादा हो जाएगा। ओके 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत k से कितना अधिक होगा। वेरी सिंपल, आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये क्या है 7 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर कितना होता है जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके इसका एवरेज क्या होगा, देखिए इधर का 3 नंबर छाटिए और इधर का 3 नंबर, आपका एवरेज हो गया 4, यहाँ पे एवरेज कितना हो गया 4, और 4 क्या है, यही आपका k है, यही आपका k है, एवरेज k था इसका, जिसका वैल्यू कितना आया है 4 आया है। ऑल राइट, अब क्या करते हैं हम, अब बोल रहा है कि नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड, ओके इसके अगला 3 और इंक्लूड किया गया है, यानी 8 9 एंड 10, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा। तो आपको बताया था जब इस फॉर्म में रहता है तो लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, यानी 11/2 हो जाएगा 5.5, यानी इसका जो एवरेज है वो 5.5 यहां पे आएगा, ये हो जाएगा 5.5। तो कितना इंक्रीजमेंट है, 4 से हो गया 5.5, यानी 4 से हो कितना हो गया 5.5, यानी कि इंक्रीजमेंट जो है 1.5 का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ओके ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज m, ओके इफ द नेक्स्ट 5 इवन नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ 10 नंबर विल बी, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है बट वहां पे था नेचुरल नंबर और ये क्या है इवन नंबर। ओके तो इसको समझा देते हैं आपको, अब इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ओके 2 4 6 8 एंड 10, ओके ये आपका हो गया 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गया, इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज आपका हो जाएगा कितना, यही बीच वाला नंबर हो जाएगा, यानी आपका जो एवरेज है वो कितना है 6 है, और 6 क्या है आपका m है। ओके अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना क्या है, इफ द नेक्स्ट 5 इवन नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड, यानी इसके 5 और इवन नंबर को इंक्लूड करना है, 10th बाद कितना हो जाएगा 12 14 16 18 और 20, ठीक है 12 14 16 18 20, इसके बाद वाला इवन नंबर आएगा, तो अब इसका एवरेज कितना हो जाएगा,
आप जो पांच और बढ़ा दिए हैं तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को ऐड कीजिए और टू से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 22/2 यानी 11, यानी इसका जो एवरेज है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 11 हो जाएगा। देखिए पहले 6 था, अब हो गया 11, तो इंक्रीजमेंट कितना का है, 5 का है, 6+5=11, 6+5=11 यानी m+5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ना कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और जिन भाई को समझ में ना आए वो कमेंट कर दें, हम अगले वीडियो में इसको मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन है 29, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज m, इफ द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड देन व्हाट इज द इंक्रीज इन द एवरेज। वेरी सिंपल, देखिए यहाँ पे 3 ऑड नंबर को बढ़ा रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में इवन था, यहाँ है ऑड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में दो दो गैप चलता है। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 5 बढ़ाए थे तो m प्लस 5 हो गया था, यहाँ 3 बढ़ा रहे हैं तो 3 हो जाएगा, अब क्या बच्चों जैसा खेलना है, ठीक है, आप बातों को समझ लीजिए और ऐसे क्वेश्चन को हवा में उड़ाइए, ठीक है, ये सब पिछले साल आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ओके दिस इज फॉर यू, हाउ द जोस, आई थिंक इसको देख के कुछ तो जोश आता ही है, बिल्कुल आता है क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 30 नंबर, क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 27, ओके क्या है ये, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, चार लगातार सम संख्याओं का एवरेज है 27, बाय एडिंग व्हिच नंबर डज द एवरेज बिकम 28, यानी पहले 27 था एवरेज, अब आपका एवरेज कितना हो जाए, 28 हो जाए, ठीक है, यानी एक बढ़ाना है, कैसे होगा, अब ये बोल रहा है कि आप क्या आप इसमें ऐड कीजिएगा कि एवरेज 27 से हो जाए 28, वेरी गुड। क्वेश्चन देखिए 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, आप 27 इसका एवरेज है, तो ये रहा आपका 27, प्यारा 27, लेकिन ये तो इवन नंबर है नहीं, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बस इसको बेस बना के हम अपना घर बनाएंगे। देखिए 27 के एक बाद कौन सा नंबर होता है, ये होता है 28, बिल्कुल इवन नंबर है, और इससे एक पहले कौन सा नंबर होता है जो कि इवन होता है, ये है 26, ठीक है, 28 26, ये तो इवन नंबर होता है ना, लेकिन ये तो चार संख्या है तो दो हुआ, तो देखिए इससे एक पहले और 24, और इसके एक बाद कौन सा होगा, 28 के बाद 30, ये सब इवन नंबर हो गया। अब चेक कर लीजिए क्या 27 इसका एवरेज है, क्या तरीका है, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो 30+24 हो जाएगा 54, 54/2=27, बिल्कुल सही है, ओके। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है कि नहीं नहीं ये 27 पहले एवरेज था लेकिन अब आपको एवरेज 28 करना है, ठीक है, तो कौन सा नंबर आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। देखिए वेरी सिंपल, यहाँ पे दो नंबर है, यानी इसके बाद दो नंबर तो आना ही चाहिए था, ये चल रहा है इवन नंबर का टर्म, तो इवन नंबर ही आपको इंक्लूड करना होगा, यानी इसमें अगर 32 ऐड करते हैं तो 28 आपका एवरेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, चेक कर लीजिए 24+32 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 करना रहता है, ये कितना हो जाएगा 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा 5 26/2 हो जाएगा 28, तो अभी सही है, बिल्कुल सही है, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, आपको बेसिक से करने कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैक्स टू मैक्स 10 से 12 सेकंड लगेगा भाई, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो, और डेफिनेटली आता है, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आस्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ है पेपर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, यस क्या है क्वेश्चन, सॉरी द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 75, ओके बाय एडिंग व्हिच नंबर विल द एवरेज बिकम 76, यानी 76 हो जाना चाहिए आपका क्या एवरेज, कैसे हुआ क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 75, ओके और आपको करना क्या है, कुछ ऐसा नंबर जोड़ दो भाई जो 76 इसको बना दे, 76 बना दे, देखिए 75 तो ऑलरेडी एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे, ये इंक्लूड करेंगे या बेस बनाएंगे, ये सब बात पिछले क्लास में बता चुके हैं, तो आप प्लीज उस क्लास को देखिएगा ताकि सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, 75 आपका बेस है, टोटल कितना नंबर है, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, यानी 5 ये तो एक हो गया, यानी 4 और आपको रखना है, 75 से एक पहले कितना होगा ऑड नंबर 73, वेरी सिंपल, और इससे एक पहले कितना होगा 71,
इससे एक बाद 77 और इसके एक बाद जस्ट इसके बाद वाला कौन होगा 79। अब चेक कीजिए क्या 75 इसका एवरेज है। अगर 75 इसका एवरेज है तो जो अज्यूम किए वो सही है। देखिए क्या तरीका है, इस तरह का जब टर्म रहता है तो क्या करते हैं, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10 कैरी 1, 7 प्लस 7 हो जाएगा 14 प्लस 1 15 बाई 2, यानी 75 एग्जैक्टली आपका एवरेज है। यह तो आपका एवरेज है, बिल्कुल सही है। अब कह रहे हैं नहीं नहीं आपको 76 बनाना है, यानी यहाँ पे एक नंबर है जो कि 76 आपका एवरेज बना दे, यानी आपका जो एवरेज है वो 76 होना चाहिए। ठीक है, ये तो पहले था, अब आपको ये चाहिए, क्या करना होगा, कौन सा नंबर ऐड करना होगा। देखिए ऑड नंबर चल रहा है तो हम ऑड को ही कर सकते हैं, आपको लाना है 76, यानी इधर तीन नंबर है तो यहाँ भी तीन नंबर करना होगा, यानी इसके बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा वो होगा 81। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चेक कर लेंगे अगर डाउट हो तो, क्या इसका एवरेज 76 होगा। तो चेक करने का क्या तरीका है, ये रहा आपका लास्ट नंबर, ये रहा आपका फर्स्ट नंबर, दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2 और 8 प्लस 7 हो जाएगा कितना 15, 152 बाई 2 कर लेंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, बिल्कुल 76 हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है भाई समय बचाने का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ओके, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ फोर कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 8 लेस देन एवरेज ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर इफ द सम ऑफ दिस थ्री इवन, इफ द, देखिएगा भाई ठीक से, इफ द सम ऑफ दिस थ्री इवन नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ अबव फोर ऑड नंबर। ठीक है, यानी यहां पे सम इक्वल बोल रहा है, देन द एवरेज ऑफ ओरिजिनल ऑड नंबर इज, चार क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तीन क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं से 8 कम है, यदि इन तीनों सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई चार विषम संख्याओं के योग के बराबर है, इक्वल है, तो प्रारंभिक चार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, पहले बोल रहा है फोर कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है 4 है, यानी यहाँ पे कहीं पे इसका एक एवरेज है, तो मान लेते हैं ये आपका x है, और क्या बोल रहा है कि इसके बाद कितना है 8 लेस देन द एवरेज ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे तीन नंबर है 1 2 3, और ये क्या बोल रहा है जो इसका एवरेज है इससे 8 ज्यादा है ये वाला पार्ट। ठीक है, यानी जो इसका एवरेज तो बीच वाला होगा, यानी ये होगा x प्लस 8। ओके, अब क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ दिस थ्री इवन नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ फोर ऑड नंबर्स, इस दोनों का सम इक्वल है, तो सम कैसे निकलता है, एवरेज इनटू टोटल नंबर, वेरी सिंपल। तो एवरेज क्या है आपका x है, x है, टोटल नंबर कितना है यहाँ पर 4 है, ये कितना हो जाएगा 4x। ये स्टेप नहीं लिखना चाहता है भाई, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ 4x लिखना था। अच्छा, इसका सम कितना होगा, सम होगा यानी एवरेज कितना है, x प्लस 8 और मल्टीप्लाई कितना करना होगा, तीन नंबर है तो तीन से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 24। ऑलराइट, देखिए अब क्या था, दोनों तो भाई इक्वल था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पर क्या है, इफ द सम ऑफ दिस थ्री इवन नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ अबव फोर ऑड नंबर, तो इक्वल है, तो चलिए इक्वल कर लेते हैं, 4x इक्वल टू 3x प्लस 24। ओके, इसको इधर दे दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, यानी x इक्वल टू 24, और यही इसका एवरेज है जो कि पूछ रहा था, देन द एवरेज ऑफ फोर ओरिजिनल ऑड नंबर इज, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है 4, इसका एवरेज कितना होगा 24 इज द राइट आंसर। आप यहाँ ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से करने का क्या तरीका है, बस यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, 36 में आप 8 ऐड करते हैं और सबका सम इक्वल करने की कोशिश करते हैं, बात नहीं बनता। सी को चेक करते हैं, अगर आप इसमें भी आप इसका पहले आप सम निकालते हैं, फिर 8 ऐड करते हैं, उसका सम निकालते हैं, दोनों अगर इक्वल हो जाता तो बात बनता, नहीं बनेगा यहाँ पर बात, यहाँ भी नहीं बनने वाला है, चेक कर लीजिएगा आप। अगर आप 24 को डायरेक्ट चेक करते हैं, देखिए 24 इंटू 4 करेंगे, 4 क्यों करेंगे भाई, इसके लिए 4 करेंगे, ये होगा 96, इसमें 8 ऐड कीजिएगा, 24 प्लस 8 हो जाएगा 32, 32 इंटू 3 करेंगे, 3 क्यों करेंगे, इसके लिए करेंगे, ये हो जाएगा 96, दोनों का सेम टू सेम सम है, तो ये इक्वल है, तो बिल्कुल आपका बात इससे जम जाता है। ओके,
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। वाओ, ये भाई मेंस का क्वेश्चन है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आज की इस क्लास में सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, एवरेज ऑफ 35 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज n। ठीक है, 35 लगातार नेचुरल संख्या का क्या है, प्राकृतिक संख्या का एवरेज कितना है, n है। ड्रॉपिंग द फर्स्ट 10 नंबर एंड इंक्लूडिंग द नेक्स्ट 10 नंबर। ओके, ये बोल रहा है पहले 10 को आप छोड़ दो और बाद के 10 नंबर को इंक्लूड कर लो, समझ रहे हैं बात को। द एवरेज चेंज टू m, पहले n था अब हो जाएगा n, m हो जाएगा। If the value of m square minus n square equal to 600, then the average of 3m and 5n, यानी आपको यहाँ पर m and n का value चाहिए, ठीक है? एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है m square minus n square equal to 600, तो देखिए a square minus b square का फॉर्म आप जानते हैं, a plus b, a minus b, तो बिल्कुल वही है, m plus n into m minus n का value यहाँ पे दिया हुआ है 600। यानी अगर इस फॉर्म में अगर हमको आंसर किसी का भी आ गया तो डाटा निकालना बहुत सिंपल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये कितना नंबर है, एवरेज ऑफ 35 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, डैश 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 कहाँ तक गया, 35 तक गया। इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज होगा आपका लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बाई 2, 36 हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 × 36। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन अब बोल रहा है कि आपको शुरू का 10 नंबर छोड़ देना होगा। शुरू का जब 10 नंबर आप छोड़ेंगे ऐसे जाके तो 10 तक तो छोड़ देना होगा भाई, कहीं ना कहीं यहाँ पे 8, 9 और यहाँ 10 रहा होगा, यानी यहाँ तक आपको छोड़ना है। तो फर्स्ट वाला नंबर कौन सा होगा, स्टार्ट 11 से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है कि आप लास्ट के 10 नंबर और इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है, 10 नंबर नेक्स्ट 10 नंबर उसको इंक्लूड करना है, इंक्लूड द नेक्स्ट 10 नंबर। तो देखिए इसके 10 नंबर बाद कौन सा होगा, 45 होगा एग्जैक्टली, ये लास्ट नंबर हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है, 11, 12, 13 ऐसे करते करते कहाँ तक गया, 45 तक गया। इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज कितना होगा, इसका भी सेम टू सेम तरीका है, 45 और 11 को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 6, 5, 2, ये हो जाएगा 28। एवरेज कितना हो गया, 28 हो गया। देखिए तो ये क्या है भाई, ये आपका n है, n इक्वल टू है, और ये कितना है, m का वैल्यू है। तो देखिए m माइनस n कर लेते हैं, m माइनस n कर लेते हैं, m माइनस n कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 28 माइनस 18 इक्वल टू 10, आपका m माइनस n का वैल्यू तो आ गया, सॉरी m माइनस n का वैल्यू 10 आ गया। ओके, तो बस यहाँ पुट कर लीजिए, ये कितना है, यहाँ पर है m प्लस n और m माइनस n का वैल्यू इतना है, तो m प्लस n इंटू m माइनस n का वैल्यू 10 है इक्वल टू 600, 00 कैंसिल, यानी m प्लस n का वैल्यू कितना आ गया, m प्लस n का वैल्यू आ गया आपके पास 60। तो यहाँ देखिए m प्लस n का वैल्यू 60 है, m माइनस n का वैल्यू 10 है। तो देखिए यहाँ से m निकालने का क्या शॉर्ट तरीका है, दोनों को ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 70 बाई 2 35, वेरी सिंपल। अगर n का वैल्यू निकालना है तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करो, जब दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 में से 10 जाएगा 50, 50 बाई 2 हो जाएगा 25। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका एवरेज निकालना है 3m और 5n का, 3m प्लस 5n बाई 2 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3m का वैल्यू कितना होगा, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, एग्जैक्टली इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें कीजिए 5 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कितना, 105, 15, 10, 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
230 हो जाएगा बाई 2 करेंगे तो 115 करेक्ट आंसर है। ये है इसका तरीका सॉल्व करने का, ये बिल्कुल करना ही नहीं था, ये सब तो करने की जरूरत ही नहीं था। डायरेक्ट आपका एवरेज यहाँ एन का वैल्यू निकलता, यहाँ एम का वैल्यू निकलता और डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट करते हैं एम प्लस एन का वैल्यू डायरेक्ट आता है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए आपको किया गया है, एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आगे किसी न किसी एग्जाम में रिपीट जरूर होना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 34। ओके, क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ 17 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 289, ये सम है भाई,
द सम ऑफ अनदर 10 कंसेक्यूटिव नंबर व्हिच फर्स्ट टर्म इज 5 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। ओके, यानी जो आपका एवरेज आएगा वो 5 ज्यादा होगा उसका फर्स्ट टर्म। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सम कितना है 289, इसका द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर, टोटल नंबर भी आपके पास है, टोटल नंबर कितना है 17 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, बस डिवाइड करना है भाई 289 बाई 17, ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 17, 17 का स्क्वायर होता है 289, आपको तो याद ही होगा ये वाला बात। ऑलराइट, अब क्या बोल रहा है, ये तो हमारे पास एवरेज आ गया, द सम ऑफ अनदर 10, द सम ऑफ अनदर 10 कंसेक्यूटिव नंबर व्हिच फर्स्ट टर्म इज 5 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कितना फर्स्ट टर्म क्या है इससे 5 ज्यादा है, फर्स्ट टर्म क्या है इससे 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, बस सिंपल सी तो बात है, इससे 5 ज्यादा है यानी कितना होगा 17 प्लस 5 हो जाएगा 22 हो गया फर्स्ट टर्म, टोटल 10 नंबर है तो कितना जाएगा 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, टोटल 10 नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्टली ये टोटल आपको कितना हो जाएंगे 10 नंबर हो जाएंगे, टोटल कितना है 10 नंबर है। अब इसका निकालना है आपको सम, तो सम निकालने का क्या तरीका है, सम निकालने का तरीका क्या है, सबको ऐड थोड़ी करेंगे, बस फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, ये 31 प्लस 22 बाई 2 कीजिए इंटू 10 कीजिए, क्यों करेंगे 10, क्योंकि हमको तो एवरेज मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल नंबर तो सम निकल जाता है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना 3 और 5 53 बाई 2 इंटू 10 यानी हो जाएगा 5, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, दो दो ऑप्शन में सेम टू सेम है, तीन ऑप्शन सेम है, नहीं कर सकते सर 5 3 15 165, ये तो 165 है, 5 3 2 5 50 25 265 सॉरी 265 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज को समझना था, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, तो आप अब लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो अच्छा बात है, देखते हैं अगला क्वेश्चन को, एक बार इसको फिर से समझा देंगे आप, बोलिए कुछ। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है सम और टोटल नंबर, तो आप एवरेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो एवरेज निकाल लिए। अब जो बोल रहा है कि अब जो नया जो नंबर बनेगा वो इसके एवरेज से 5 ज्यादा होगा, ठीक है, तो 17 से 5 ज्यादा 22 होगा, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, और इसके बाद लगातार 10 संख्या निकालना है, तो 22 से 31 तक कितना हो गया टोटल नंबर, आपके टोटल नंबर कितना हो गया 10 नंबर हो गया, बस इसका सम निकाल लीजिए, ठीक है, इसका सम निकालना था बस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, ये क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड है और काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ एन नंबर इज ए, ओके, यहाँ पे टोटल नंबर कितना है एन है, टोटल नंबर कितना है भाई, टोटल नंबर आपका एन है, उसका एवरेज दिया हुआ है ए, ओके, तो आपका एवरेज हो गया, ओके, कहता है द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाई 2, सेकेंड वन इज इंक्रीज बाई 4, द थर्ड वन इज इंक्रीज बाई 8 एंड सो ऑन, द एवरेज ऑफ द न्यू नंबर इज, ठीक है, पहली संख्या को 2 इंक्लूड कर दिया जाता है यानी इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और जो दूसरा नंबर है उसको 4 बढ़ाया गया, उसके बाद 8 बढ़ाया गया और उसी तरह से बढ़ाते जाना है, ठीक है, तो देखिए पहले आप 2 बढ़ा लिए, फिर बढ़ा लिए कितना 4, फिर बढ़ा लिए आप प्लस का 8, इस तरह से करते करते कितना हो जाएगा यहाँ प्लस 16, ठीक है, और इसका बस 2 से मल्टीप्लाई करना है 32, ऐसे से करते करते कहाँ तक जाएगा एन तक जाएगा, तो इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए ये 2 का पावर कितना है 1 है, ये कितना है 2 का पावर 2 है, ये कितना है 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 4 होगा, ये 2 का पावर 5 होगा, ऐसे करते करते 2 का पावर एन तक जाना है, तो ये जो फॉर्म होता है, ये जो फॉर्म बना है ये जीपी का है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, तो इसका सम निकालने का क्या तरीका है आप जान जाइए, इसका सम निकालने का जो तरीका है वो है a into r to the power n minus 1 by r minus 1, ये r क्या है, r है आपका कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ओके, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, देखिए पहला नंबर कितना था 2 है, यानी यहाँ पे आपका a कितना है, यहाँ a इक्वल टू 2 है, देखिए कॉमन रेशियो निकालने का क्या तरीका है, देखिए 2 से 4 हुआ, 4 से हुआ 8, अगर आप इस सबका रेशियो निकालते हैं
तो टू टू का रेशियो आएगा, ठीक है। ए इसको टू से कैंसिल कर देगा, ये इसको टू से कैंसिल कर देगा, फोर फोर इसको टू से कैंसिल कर देगा, तो ये इसका रेशियो निकालने का तरीका है। आई थिंक रेशियो तो आप जानते ही हैं, काफी सिंपल टॉपिक है वो। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर लीजिए तो सम निकल जाएगा। ये कितना है, ए आपका हो जाएगा टू इंटू आर का वैल्यू क्या है, कॉमन रेशियो टू है, टू का पावर एन माइनस वन, और यहाँ कॉमन रेशियो कितना है टू है, टू माइनस वन यानी तो वन हो जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास, टू इंटू टू दी पावर एन माइनस वन बाई वन, ओके। तो वन लिखिए हम नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं, टोटल नंबर कितना है भाई, एन है, टोटल नंबर कितना है एन है, यही था ना। तो बस एवरेज में, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, बस इसको एन से डिवाइड कर देंगे। तो टू इंटू टू टू दी पावर एन माइनस वन बाई एन, ये आपका एवरेज हो गया। और पहले से एवरेज कितना था, ए था, तो बस इसमें ए ऐड कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है भाई। इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं था, बस आपको अगर ए दिख जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि हाँ ये तो वही बात कर रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है भाई, ओके। तो किसी भी ऑप्शन में देख लीजिए, ये वाला डाटा नहीं है, कुछ ना कुछ मिसिंग है। यहाँ पे देखिए ये तो कुछ अजीब ही कर दिया है भाई, ये क्या है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है, यहाँ टू मिसिंग है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, अगर आप इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। यस, 2019 प्री का क्वेश्चन है भाई, सीजीएल, काफी मस्त क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आने वाला है आगे हर एक एग्जाम में, ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में दिखेगा एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज जीरो, ओ आउट ऑफ देम हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन जीरो एट द मोस्ट। 27 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम शून्य कितने शून्य अधिक हो सकते हैं, ओके। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, बस समझने का देरी है। ए बोल रहा है एवरेज, एवरेज है जीरो भाई, द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज जीरो, यानी 27 नंबर का एवरेज जो है ना वो जीरो है। तो हम जानते हैं एवरेज निकालने का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल नंबर बाई टोटल नंबर, ये तो आप जानते ही हैं। देखिए अगर ये जीरो होना है तो क्या करना होगा, आपको सम को करना होगा जीरो, और टोटल नंबर मान लेते हैं एन है, तो जीरो बाई एन जीरो ही रह जाता है, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है, जो सम है, उसको अगर आप जीरो कर देते हैं तो भाई आपका एवरेज जीरो हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है, देखिए टोटल 27 नंबर है, ठीक, मान लेते हैं यहां से यहां तक आप 26 नंबर लीजिए, ठीक है, जो सारे के सारे जीरो से बड़े हों, सारे के सारे क्या हो, जीरो से बड़े हों। आप 26 ऐसा नंबर लीजिए कि सारे के सारे जीरो से बड़े हों, लेकिन 27th, जो 27th नंबर है, आप इसको इतना माइनस ले लीजिए, इतना माइनस ले लीजिए, इतना माइनस, यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस कट कुटा के हो जाए जीरो, समझ रहे हैं बात को। सपोज कीजिए कि आप 26 नंबर को ऐड किए, मान लेते हैं कि ये हो गया 1700, ठीक है, प्लस का, लेकिन जो 27th नंबर है वो अकेले कितने के बराबर है, तो माइनस 1700 के बराबर है, ये तो जीरो हो गया ना भाई, तो बस बात जम गया, 26 इज द राइट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको दिख जाए कि जिसका एवरेज जीरो है और इस तरह से निकालना हो, तो बस सिंपल सी बात है, इसमें से एक माइनस कीजिएगा और डायरेक्ट आंसर टिक कीजिएगा, लेकिन हाँ कंडीशन यही वाला होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 188 रियल नंबर इज जीरो, फिर यहाँ बात वही बात, एवरेज को ही जीरो कर दिया। एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी निगेटिव, इसमें से कितने निगेटिव हो सकते हैं, तो बस वही वाली बात है भाई, लीजिए टोटल नंबर है कितना है 1088 है, तो इससे आप एक काम कीजिए 187 तक आप ले लीजिए पॉजिटिव नंबर, सॉरी एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी, सॉरी निगेटिव, ये इसको आप ले लीजिए निगेटिव, इस सबको आप ले लीजिए निगेटिव, लेकिन जो लास्ट वाला जो नंबर है 1088, ये जो नंबर है इसको आप इतना पॉजिटिव लीजिए कि सारे निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर हो जाए जीरो, ताकि आपका एवरेज क्या हो जाए, एवरेज भाई साहब हो जाए जीरो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, 1087, ये आपका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये है क्वेश्चन नंबर 38। यस, क्वेश्चन क्या है, इफ द एवरेज ऑफ 13 डिस्टिंक्ट इंटीजर इज 58, ओके, अलग अलग संख्याओं का
एवरेज कितना है 58 है, यहाँ जीरो नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा हटके है भाई, हटके है हटके। मैक्सिमम हाउ मच नंबर कैन बी ग्रेटर देन 58, चलिए तो कितना नंबर 58 से ज्यादा हो सकता है, सिंपल सी बात है, सेम पैटर्न क्वेश्चन है, 12 दिख रहा है, सॉरी 13 दिख रहा है, तो इसका आंसर 12 होगा। कैसे होगा देख लीजिए, 13 अलग अलग नंबर है, क्या है भाई ये अलग अलग नंबर है, यदि तेरे अलग अलग पूर्णांकों का औसत 58 है तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्या 58 से ज्यादा हो सकती है। चलिए 13 नंबर है ना भाई टोटल, तो मान लीजिए ये रहा पर 12 नंबर, ये रहा 13वां नंबर, ठीक है। अब एक काम कीजिए, सारे के सारे को क्या लीजिए 58 से बढ़ा लीजिए, और जो 13th नंबर जो नंबर है ये सबको कितना लेना है 58 से बढ़ा लेना है, सबको आप 58 से बढ़ा ले लो, वेरी गुड। और जो 13th नंबर है इसको आप इतना छोटा लो कि सबको माइनस और प्लस करने के बाद आपका एवरेज कितना निकल जाए 58 निकल जाए। बस भाई ध्यान ये नहीं रखना है कि आपका जो एवरेज फाइनल निकलना चाहिए सबको माइनस प्लस करने के बाद और डिवाइड करने के बाद आपका एवरेज 58 हो जाए, बस यहीं पर सेट कर देना है और कहीं आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट जो है वो 12 है। इस पैटर्न के जब भी दिख जाए थोड़ा सा सावधान लगाना है और मैक्स टू मैक्स 5 से 6 सेकंड बस क्वेश्चन पढ़ने में और 2 सेकंड सोचने में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ, सबसे पहले बात मीन बोलिए या अर्थमेटिक मीन बोलिए, सबका मतलब एवरेज होता है तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है। द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर इज 13, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, ओके 13 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का मध्य 13 है, मध्य यानी बीच वाला नंबर, इन संख्याओं के दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या होगा, ओके द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर, 15 नंबर है, ठीक है आप ये लीजिए आपका 15 नंबर, यानी कहीं ना कहीं ये होगा आपका 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये होगा आपका 14, ये होगा 15, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर आपका ये है, ये सेकेंड लार्जेस्ट आपका है, ये क्या है सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा भाई, ये तो लार्जेस्ट हो गया, ये नंबर जो 15 नंबर है ये तो लार्जेस्ट है, इसको थोड़ी निकालना है, आपको निकालना है सेकेंड लार्जेस्ट का वैल्यू, कैसे निकलेगा देखिए, तो यानी 14 और 15 क्या हो गया सेकेंड लार्जेस्ट और सबसे बड़ा नंबर, तो एक काम कीजिए यहाँ पे 13 रहा होगा, ओके तो अगर आप यहाँ से एक चीज देखेंगे, अगर आप देखेंगे एवरेज कितना है 13 है, टोटल नंबर 15 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 15 × 13, ये हो जाएगा 150 और 45 195, हाँ 150 हो जाएगा और 45 हो जाएगा 195 एक्जेक्टली। सम कितना निकला इस टोटल भाई, यहाँ पे देखिए टोटल 15 नंबर है और 13 इसका क्या है, इसका 13 क्या है एवरेज है, तो सम निकल गया यहाँ पे 195, ओके तो ये 14 और 15 को छोड़ दीजिए, अब 13 तक कंसीडर कीजिए, ठीक है यहाँ से और यहाँ तक का इस दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 14 बाई टू, यानी एवरेज कितना हो जाएगा इसका, इसका एवरेज कितना हो जाएगा 14 बाई टू, यानी 7, यानी इसका जो एवरेज है 6 और 7, ये आपका एवरेज हो गया, ठीक है एवरेज हो गया 7, और टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर है आपका 13, ये तो टोटल नंबर 13 है, इसका सम कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 13 से 91, ठीक है। तो जो देखिए यहाँ 13 तक का आपका सम निकल गया 91, टोटल का सम 195 था, तो 14th और 15th नंबर का बच गया सिर्फ, इसका कितना सम होगा निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 95, 195 माइनस 91, ये हो जाएगा 40104, आई थिंक आप समझ रहे होंगे हम क्या किए। देखिए आपको यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है, टोटल नंबर दिया हुआ है, तो 1 से लेकर 15 तक का एवरेज और टोटल नंबर आपको मालूम है, यहाँ से सम निकाल लीजिए पहले, ओके अभी बोल रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, तो उससे एक पहले वाला नंबर को आप इंक्लूड कीजिए, यानी 13 तक का आप एवरेज निकालिए और उसका सम निकाल लीजिए, सम निकाल लिए 91 आ गया, इसको किए माइनस, यानी 104 जो आया है वो किसका वैल्यू है, 14th और 15th नंबर का वैल्यू है, ये इसी का वैल्यू है, इसको कीजिए 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 52, ओके तो यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 14th और 15th नंबर का जो नंबर है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 52, लेकिन ये तो दोनों इक्वल हो जाएगा, जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो कोई बड़ा कोई छोटा कैसे होगा, तो एक तभी और तभी पॉसिबल है जब इसका वैल्यू कितना कर दे आप 14th नंबर का वैल्यू, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं,
यस, 14th नंबर का वैल्यू अगर आप 52 52 रखते हैं, 14 और 15वां नंबर का अगर वैल्यू 52 52 रखिएगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा ना भाई। तो एक काम कीजिए, इससे एक माइनस कर लीजिए यानी 51, और इसको एक और दे दीजिए भाई एडजस्ट के लिए, ये 53 हो जाएगा। तो यानी 51 और 53, ये सेकेंड लार्जेस्ट आपका नंबर कौन सा है, 51, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी सिंपल था, करना कुछ नहीं था, बस आप सबका एड निकालो, सबका सम निकालो, उसके बाद दो नंबर को छोड़ के उसका सम निकाल लो भाई, माइनस कर लो, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो और एडजस्ट कर लो। ठीक है, एडजस्ट इसलिए करना है क्योंकि जो लास्ट का दो नंबर है वो लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर दोनों को आप बराबर कर दीजिए तो फिर तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आप उसे ट्राई कीजिएगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ द अर्थमेटिक मीन, बोलिए एवरेज बोलिए, दोनों का बात मतलब सेम है। ये क्या है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 3a एंड 4b ग्रेटर देन 50, यानी 3a प्लस 4b ग्रेटर देन 50 है, बाय 2 करना होगा, क्यों करेंगे, एवरेज निकाल रहे हैं भाई। ओके, एंड a इज ट्वाइस b, यानी a इक्वल टू 2b है, देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर ऑफ a, a का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ है 4b, यहाँ है 2b, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा 2a, यानी 4b की जगह पर कितना पुट कीजिएगा, 2a, यानी 3a प्लस 2a बाई 2 इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 50, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे इस कंडीशन में हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 5a का वैल्यू हो जाएगा 100, और यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो a का जस्ट 20 से कितना बड़ा नंबर हो सकता है, a मस्ट बी ग्रेटर देन 20, तो इससे जस्ट एक बाद वाला नंबर कौन सा होगा, 21 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो यहाँ तक हुआ कंप्लीट। तो भाई अगर क्लास आप देखे हैं तो प्लीज अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल को जरूर शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो, और चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।